नमस्कार दोस्तों, BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो आपके SSC MTS के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा आपको। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। दोस्तों, किसी चीज़ को देना और रिसीव करना परस्पर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी यानी रेसिप्रोक्रेट, इसका अर्थ होता है दोस्तों विनिमय या वस्तु विनिमय, यानी वस्तु को लेना और देना, आदान प्रदान करना रेसिप्रोक्रेट कहलाता है, विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भविष्य या अपने भविष्य के बारे में सोच सकता है इमेजिनेशन के द्वारा और विजडम के द्वारा, विजडम यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो है अपने भविष्य को वो है सोच सकता है, उसके बारे में देख सकता है, अनुमान लगा सकता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकेंड है आपके पास। दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन फोर विजनरी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विजनरी का अर्थ होता है भविष्य को देखने वाला, ठीक है? तो विजनरी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है। और अब चलते हैं हम लोग आगे। और डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, दोस्तों एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को देखता है, संभालता है, या फिर ये कहें कि बच्चों का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो आपको बताना है और आपके ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकेंड का समय है आपके पास। तो अगर आप चुनते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन पीडियाट्रिशियन कहलाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है बच्चों का डॉक्टर। अब चलते हैं आगे। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, दोस्तों एक ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं आती, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और 5 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आप चुनते हैं दोस्तों ऑप्शन बी ऑब्सलीट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑब्सलीट का अर्थ होता है दोस्तों एक ऐसी वस्तु जो अब यूज में नहीं आती, नो लॉन्गर इन यूज। अ पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल हेयर, दोस्तों जो व्यक्ति है वो फॉरेन से आया है और यहाँ पर सेटल हुआ है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए इमिग्रांट, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अप्रवासी, अप्रवासी जो एक व्यक्ति जो बाहर से आया है और यहाँ पर सेटल हुआ है, तो इसे इमिग्रांट कहा जाता है। इसका अर्थ है अप्रवासी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन, दोस्तों जो है कुछ भी करने की क्षमता क्या कहलाती है, ठीक है? समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके पास है, फटाफट देखिए। दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिजियाबल, फिजियाबल का अर्थ होता है किसी काम को करने की क्षमता, जो है फिजियाबल कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा, दोस्तों असल में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंक्लूजन होता है, जो दर्शकों द्वारा जो है कहा जाता है, वो क्या कहलाता है? मतलब मान लीजिए कोई पोइम है या फिर कोई स्पीच है, उसे दर्शकों ने देखा और फिर उन्होंने जो कंक्लूजन दिया है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है, सिर्फ 5 सेकेंड है आपके पास। दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी इपिलॉग, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों उपसंहार। जब हम लोग निबंध वगैरह लिखते हैं, तो लास्ट में जो एक हेडिंग डाल के लिखते हैं उपसंहार, जिसमें हम पूरा निचोड़ देते हैं, पूरा कंक्लूजन देते हैं, उसे इपिलॉग कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फॉर नॉट डिफिनेट, दोस्तों ऐसा है
कि आपको बताना है कि एक ही चीज़ के दो अर्थ जब हों, ठीक है, दो या दो से अधिक पॉसिबिलिटीज सेंस उसके निकलें तो उसे क्या कहा जाता है, और जो इस कारण वो डेफिनेट नहीं है, कोई उसका एक सेंस डेफिनेट नहीं है, उसके दो या दो से अधिक अर्थ हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकेंड हैं आपके पास। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी एम्बिगुअस तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों द्विअर्थी, यानी डबल मीनिंग वाला, किसी भी चीज़ के जब दो अर्थ निकलें और फिर समझना मुश्किल हो, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाए, एम्बिगुअस उसे कहा जाता है, द्विअर्थी इसका अर्थ होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और अब हम लोग चलते हैं आगे। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, दोस्तों आपको बताना है कि एक ही परिवार के जो राजा हैं, ठीक है, जो एक ही फैमिली के पहले उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र और फिर उनके पुत्रों का जो शासन कहलाता है, जैसे आप मुगल में देखते होंगे बाबर अकबर और फिर इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है, इसके लिए आपको बताना है एक शब्द। तो ऑप्शन आपके सामने है फटाफट दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए डायनेस्टी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर होता है राजवंश, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा मुगल डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, और इसका अर्थ होता है राजवंश। और ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू कट समथिंग इंटू टू पीस, किसी चीज़ को दो पीसों में काटना क्या कहलाता है, सिंपल है ये। और ऑप्शन आपके सामने है फटाफट 5 सेकेंड में बताइए दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सीवर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जो है दो हिस्सों में काटना, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये स्पेलिंग पूछ ली जाती है, SEVER, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ही इज अ डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज, दोस्तों आपको बताना है एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन डिसीज यानी स्किन की जो बीमारियां हैं उसका स्पेशलिस्ट है, तो क्या है उसके लिए एक शब्द। आपके ऑप्शन आपके पास हैं फटाफट देखिए दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजिस्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। डर्मेटोलॉजिस्ट का अर्थ होता है त्वचा संबंधी जो है चिकित्सक, ठीक है, जो त्वचा की संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनकी देख रेख करता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लीव एलोन, दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो अब काम उसने ख़त्म कर लिए हैं अपने, रिटायर हो चुका है वो सोसाइटी से, समाज से, और अब वो अकेले रहता है, ठीक है, लीव एलोन, ठीक है, तो आपको बताना है उसके लिए एक शब्द क्या है। दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन फोर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलीक्यूज का अर्थ होता है दोस्तों एकांतवासी, ठीक है, जो अब एकांत में रहने लगा है और सोसाइटी से रिटायर हो चुका है और अब अकेले में रहता है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फोर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब चलते हैं हम लोग आगे। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स ETC विथ क्ले, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, मतलब जो है पॉट को बनाने की कला और ईंट को बनाने की कला, किले मतलब मिट्टी होता है दोस्तों, मिट्टी से जो है पॉट बनाना या फिर ईंट बनाना, ब्रिक बनाना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन आपके सामने है फटाफट देखिए दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी क्रीमिक्स तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्रीमिक्स एक कला होती है जिसके अंदर जो है पॉट और ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं मिट्टी से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। लिविंग एट अ सेम टाइम, मतलब दोस्तों एक ही समय में होने वाला क्या कहलाता है, ठीक है, एक ही समय में सेम टाइम में जो है घटना घटित होती है या फिर जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और सिर्फ 5 सेकेंड है दोस्तों। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कंटेम्पोररी का अर्थ होता है दोस्तों समकालीन, समकालीन घटनाएं या समसामयिक की जो आप पढ़ते हैं, मतलब एक ही समय में, कंटेम्पोररी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
जो भी कमी रह गई हो उसको भी मेंशन करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा हमें कि ये सीरीज़ हमें आगे बनानी है या नहीं बनानी है, तो इस तरीके का हमें फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का BSET की क्लासेस से जुड़ने के लिए।